हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है और ट्री की प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम लोग बाइनरी सर्च ट्री का रिकर्सिव इंसर्शन प्रोसेस देखेंगे। हमने ऑलरेडी आइटरेटिव वर्जन देख लिया है, तो रिकर्सिव वर्जन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिकर्सिव वर्जन से हम ज़्यादा आसानी से इंसर्शन भी कर सकते हैं और फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एबल ट्री के इंसर्शन के लिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री के बारे में एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। ये जो बाइनरी सर्च ट्री हमारा है उसमें लेफ्ट सब ट्री के नोड्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रूट नोड की इंफॉर्मेशन से कम होती है और जो राइट सब ट्री में जो नोड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन रूट नोड से ज्यादा होती है या पैरेंट नोड से ज्यादा होती है। और ये किसी भी सब ट्री के लिए फॉलो किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर ये वाला सब ट्री पिक करें तो इसमें ये 90 जो है इसके लिए रूट हो गया, इसका लेफ्ट सब ट्री ये हुआ और इसका राइट सब ट्री ये हुआ। लेफ्ट सब ट्री की तरफ जो नोड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन रूट पैरेंट नोड से कम है और जो राइट सब ट्री में जो नोड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन पैरेंट से ज्यादा है। सो दिस इज द बाइनरी सर्च ट्री। और इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि किसी बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन प्रोसेस कैसे होगा। इंसर्शन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम दो तरह के मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, या तो आइटरेटिव वर्जन या फिर रिकर्सिव। और इस लेक्चर में हम लोग केवल रिकर्सिव वर्जन देखेंगे। तो रिकर्सिव वर्जन देखने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास ये टी नोड है, मतलब कि रूट नोड है ये, और हमें किसी डेटा वैल्यू को इंसर्ट करना है। लेट्स से मुझे इस ट्री में 85 डेटा को इंसर्ट करना है। तो अगर मुझे 85 डेटा को इंसर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट नोड से स्टार्ट करके सर्च करना पड़ेगा। तो चूंकि 85 रूट नोड से छोटा है तो हम लेफ्ट की तरफ सर्च करेंगे। तो अगर हमने लेफ्ट की तरफ सर्च करना है तो मेरा टी ए हो जाएगा। इसके बाद ये जो 85 है वो इससे भी छोटा है तो मैं लेफ्ट की तरफ सर्च करूंगा और टी ए हो जाएगा। एंड देन मुझे राइट की तरफ इंसर्ट करना होगा इस नोड से। तो जैसे मैं राइट करूंगा टी इक्वल्स टू टी डॉट राइट, मेरा टी हो जाएगा नल। जैसे मेरा टी नल होगा हम क्या करते हैं, क्या करेंगे कि एक नोड बना लेंगे और उस नोड में इन्फॉर्मेशन 85 इंसर्ट कर लेंगे और इस नोड को हम कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। जो क्या करेगा, कॉलिंग फंक्शन, अगर ये टी नल हुआ है तो इसको कॉल इसने किया था तभी तो ये टी इक्वल्स टू नल हुआ। तो हम क्या करेंगे कि इस नोड के राइट में इस नोड को हम सेट कर देंगे। सिमिलरली मान लीजिए हमें लेफ्ट की तरफ इंसर्ट कोई करना है, मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मुझे जो नोड इंसर्ट करना है वो है 127। तो 127 के इंसर्शन के लिए हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो मेरा रूट नोड हो गया जहां से मैं इंसर्शन स्टार्ट करूंगा। कोई भी प्रोसेस, कोई भी इंसर्शन रूट नोड से स्टार्ट होगा। 127 का इंसर्शन करना है, ये 100 से बड़ा है तो मैं राइट की तरफ चला जाऊंगा। और ये 127 राइट से भी बड़ा है, मतलब 125 से भी बड़ा है तो मैं राइट की तरफ फिर से चला जाऊंगा। ये 127 इससे छोटा है तो इसलिए मैं लेफ्ट की तरफ आऊंगा। जैसे मैं लेफ्ट की तरफ आऊंगा टी नल हो जाएगा। रिकर्सिव कॉल अगर टी इक्वल्स टू नल से हुआ है तो मैं एक नोड बनाऊंगा जिसमें 127 डेटा डालूंगा और इसी नोड को रिटर्न कर दूंगा कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन मतलब ये वाला जो फंक्शन था ये लेफ्ट की तरफ इसको सेट कर लेगा। तो यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। आइए इसके लिए छोटा सा एल्गोरिथम लिखते हैं एंड देन इसी को इम्प्लीमेंट कर देंगे हम सी में, सी या सी प्लस प्लस में। तो हमें क्या करना है कि एक बीएसटी इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है और बीएसटी इंसर्ट ऑपरेशन में मुझे रूट नोड का एड्रेस गिवन है और एक डेटा वैल्यू गिवन है जो कि मुझे इंसर्ट करना है। तो अगर मुझे ये डेटा वैल्यू इंसर्ट करना है तो मैं सबसे पहले ये चेक कर लेता हूँ कि कहीं ये टी नल तो नहीं है। अगर टी नल होगा तो मैं क्या करूंगा कि एक नोड बना लूंगा। तो मेरे पास एक फंक्शन है मेक नोड फंक्शन जो कि एक नोड क्रिएट कर देता है एक्स डेटा वैल्यू के साथ। तो मान लेता हूं कि मैं यही नोड हमारा टी होगा। तो जो भी हम नोड क्रिएट कर रहे हैं वो लीफ नोड होगा। ये ऑब्वियस भी आप देख रहे हैं कि चाहे 85 इंसर्ट हुआ चाहे 127 इंसर्ट हुआ ये लीफ नोड की तरह से इंसर्ट हुआ। तो जब हम लीफ नोड बनाते हैं तो क्या करते हैं कि किसी नोड के लेफ्ट और राइट को नल सेट कर देते हैं। तो हम मेक नोड फंक्शन में इंश्योर कर लेंगे कि इसमें डेटा वैल्यू एक्स आ जाए और इसका लेफ्ट और राइट नल सेट हो जाए क्योंकि ये लीफ नोड की तरह से इंसर्शन इसका होगा। लेकिन अगर टी नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, राइट की तरफ कॉल करेंगे और राइट की तरफ इंसर्शन करेंगे। सॉरी, अगर टी नल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि ये डिपेंडिंग ऑन की एक्स की वैल्यू छोटी है या बड़ी है उसके अकॉर्डिंग हम इंसर्शन करेंगे। तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ये चेक अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर एक्स डेटा जो है वो टी के डेटा से छोटा है तो मुझे लेफ्ट की तरफ जाके इंसर्शन करना है। लेफ्ट की तरफ इंसर्शन कैसे परफॉर्म होगा, मैं इसी फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करूंगा बी एस टी इंसर्ट विथ टी डॉट लेफ्ट एंड एक्स। इसी तरह से अगर मेरा डेटा एक्स, मेरा डेटा जो एक्स है जिसको मुझे इंसर्ट करना है वो करंट नोड की इंफॉर्मेशन से छोटा नहीं है बड़ा है, तो
मैं राइट की तरफ इंसर्ट करूँ, तो राइट की तरफ इंसर्ट करने के लिए मैं बी एस टी इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ विथ टी डॉट राइट एंड एक्स। अब मुझे थोड़ा सा एक चेंज करना है यहाँ पे। चेंज क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक नोड क्रिएट किया ये वाला एक्स डेटा के साथ और इसको रिटर्न कर दिया। लास्ट में मुझे क्या करना है कि इसको रिटर्न भी करना है, रिटर्न टी। तो अगर मैंने इस टी को रिटर्न किया तो मुझे इस नोड के राइट में इसको सेट करना है। तो राइट में अगर मुझे सेट करना होगा तो मुझे ऐसा लगाना होगा ना कि टी डॉट राइट इज इक्वल्स टू दिस। तो बी एस टी इंसर्ट फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है मैं उसको टी के राइट में, इस करंट नोड टी के राइट में उसको सेट कर लूंगा। सिमिलरली अगर मुझे लेफ्ट में इंसर्ट करना था तो ये जो टी नोड रिटर्न हुआ है इसको मुझे 130 नोड के लेफ्ट में सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे भी ऐसे लिखना होगा टी डॉट लेफ्ट इज इक्वल्स टू दिस वन। क्योंकि हम लास्ट में टी को रिटर्न कर रहे हैं और हर बार टी को रिटर्न कर रहे हैं या हर फंक्शन कॉल के करस्पॉन्डिंग हम टी को रिटर्न करेंगे, तो इसको अगर हम फिर से 85 के लिए समझने की कोशिश करें तो ऐसा हुआ कि टी नल हुआ और इसके साथ ये नोड बना और इस नोड के राइट में हमने उसको सेट कर दिया। एंड देन उसके बाद हमने क्या किया कि इसको रिटर्न कर दिया, इस टी को रिटर्न कर दिया। तो जब इस टी ने इसको कॉल किया होगा तो इसके लेफ्ट में ये सेट हुआ होगा। तो हमने क्या किया, टी डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू दिस वन, ये जो टी रिटर्न हुआ ये नोड ऑलरेडी 80 वाला नोड ऑलरेडी सेट है 90 के लेफ्ट में। लेकिन अगर मैं दोबारा से सेट कर दूंगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। सिमिलरली जब मैं यहाँ को रिटर्न करूंगा, इस टी को रिटर्न करूंगा, तो वो इस 100 के लेफ्ट में सेट हो जाएगा। 100 के लेफ्ट में ऑलरेडी ये वैल्यू सेट है, दोबारा से सेट हो जाएगा तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। सिमिलरली हम टी को फाइनली रिटर्न कर देंगे इस रूट नोड के एड्रेस को जिसको हम कॉलिंग फंक्शन को एक्सेप्ट करा देंगे। तो दोबारा एक दोबारा से रिटर्न करने से कोई नुकसान नहीं है। एनीवे हमें आ रहा ये जो एल्गोरिथम है उसको कंप्लीट कर देते हैं हेडर एंड फूटर लगा के, जो हमारी फॉर्मेलिटीज है। तो इस तरह से हमारा ये बाइनरी सर्च ट्री का इंजर्शन प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किसी नोड के का सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारा बी एस टी इंजर्ट फंक्शन प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। तो आइए बी एस टी इंजर्ट रिकर्सिव के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और इस प्रोग्राम में हमने रूट नोड एक ले लिया और उसको नल सेट कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि डेटा वैल्यू यूजर से इनपुट करा लेंगे और उसके बाद फिर हम एक बी एस टी क्रिएट कर देंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यूजर से पूछ सकते हैं कि कितने डेटा उसको इनपुट करना है, अकॉर्डिंगली हम प्री क्रिएट कर लेंगे। तो हमने यूजर से पूछा कि हाउ मेनी नोड्स डू यू वांट टू एंटर, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि एक रिपीटेडली रिपीटेड लूप लगा था, जब तक यूजर कहता रहेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग इनपुट्स करा लेंगे और जैसे वो कहेगा कि अब मुझे और नोड्स नहीं है मेरे पास तो मैं उसको फिनिश कर दूंगा। तो मैं ये एन इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स दैट द यूजर वांट टू एंटर फॉर द इंसर्शन। तो एक लूप लगा लेते हैं और उस लूप को रन कराते हैं 1 से लेके एन तक और यूजर से कहते हैं एंटर द डेटा टू बी इंसर्टेड। और जो भी डेटा यूजर इनपुट करेगा उसको हम एक वेरिएबल में ले लेंगे, लेट से डेटा नाम के वेरिएबल या एक्स ले लेते हैं। जो भी डेटा यूजर इनपुट करेगा उसको हम बी एस टी रिकर्सिव फंक्शन में पास करेंगे, बी एस टी इंसर्ट रिकर्सिव फंक्शन में। और यहाँ पे हम रूट नोड पास पास कर देते हैं और इसके साथ साथ हम ये भी पास कर देते हैं कि जो डेटा हमें इंसर्ट कराना है। जब ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा तो हमें रूट नोड रिटर्न करेगा, तो उसको हम इस रूट में सेट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इसमें। फाइनली जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को प्रिंट करके देख लेंगे और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मुझे असेंडिंग सीक्वेंस में कीज को देना चाहिए। तो मैंने प्रिंट एफ किया और कहा कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द ट्री इज, और जो भी यूजर कहेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी यूजर ने डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंटिंग होगी और असेंडिंग सीक्वेंस में कीज देना चाहिए। आइए बी एस टी रिकर्सिव फंक्शन की तरफ चलते हैं और ये हमारा पार्ट है बी एस टी रिकर्सिव का,
यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे जो दो पैरामीटर्स हैं, वो दो पैरामीटर हैं, एक है रूट नोड का एड्रेस और एक डेटा वैल्यू जो हमें इंसर्ट करना है। तो हम वही प्रोसेस लगाते हैं कि अगर हमारा टी नल है तो हम एक नया नोड क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट्स से जो नया नोड क्रिएट करते हैं वो मेक नोड फंक्शन से हम क्रिएट करते हैं, और मेक नोड फंक्शन से हम एक्स डेटा वाला नोड क्रिएट करते हैं जो कि लीफ नोड बनेगा, और इसी को हम पी मान लेते हैं। लास्ट में इसको हम रिटर्न भी कर देते हैं। लेकिन अगर ये हमारा जो नोड है या जो जो हमें इंसर्ट करना है जिस नोड में वो नल नहीं है, तो उसका मतलब है कि इंटरनल नोड है। इंटरनल नोड है तो हमें सर्च करते करते आगे की तरफ जाना पड़ेगा। हम ये देख लेते हैं कि अगर एक्स इज लेस देन टी डॉट डेटा तो हम लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, bst insert recursive फंक्शन को कॉल करेंगे। अब इसमें p के लेफ्ट में चले जाएंगे और x डेटा के साथ, ये दो पैरामीटर के साथ। लेकिन ये जो t है, ये जो नोड हमें रिटर्न करेगा उसको हम लेफ्ट में सेट भी कर देंगे। तो t डॉट लेफ्ट इज इक्वल्स टू bst insert recursive p डॉट लेफ्ट कॉमा x। सिमिलरली हम राइट की तरफ भी ऐसा ही काम करेंगे। अगर एक्स का जो डेटा है, एक्स जो डेटा है वो टी के डेटा से बड़ा है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं ये वाली लाइन और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बस लेफ्ट को हमें राइट में सेट करना है, लेफ्ट को राइट में चेंज करना है। डेटा बड़ा हुआ तो राइट की तरफ जाएगा, डेटा छोटा हुआ तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। फाइनली जब ये फंक्शन टर्मिनेट होगा तो हम रिटर्न कर देंगे रूट नोड या टी नोड को हम रिटर्न करते हैं। तो दिस इज आस्किंग अबाउट हाउ मेनी नोड्स टू एंटर। तो मान लीजिए कि हम 6 नोड्स, 5 नोड इनपुट कराना चाहते हैं। जो डेटा है रैंडमली ले लेते हैं, एक है 100, एक है लेट से 25, एक है 70, एक है 150 और एक है 130। तो आप देख सकते हैं कि इंसर्शन के बाद जो कीज हमारी प्रिंट हो रही है वो असेंडिंग सीक्वेंस में प्रिंट हो रही है। इसका मतलब इंसर्शन प्रोसेस सही हुआ है। इसके अलावा एक और छोटा सा प्रोग्राम, प्रोग्राम में एक छोटे से छोटे दो दो फंक्शन हम और बनाते हैं, और वो फंक्शन है मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। मान लीजिए कि हमारे पास किसी एक बाइनरी सर्च ट्री में मुझे मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। तो अगर हम एक छोटा सा बाइनरी सर्च ट्री बनाए, यहाँ पे लेट से 100 है रूट नोड है, उसके लेफ्ट में 30 है, उसके राइट में 50 है, इसके लेफ्ट में 25 है, इसके राइट में 150 है और इसके लेफ्ट में 160 और इसके राइट में 200 है। इस ट्री में अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लेफ्ट मोस्ट इन्फॉर्मेशन है वही आपका मिनिमम है, और इसी तरह से राइट की तरफ आप अगर जाएं तो राइट मोस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वही आपका मैक्सिमम है। तो गिवन ट्री में जो लेफ्ट मोस्ट नोड होगा दैट विल बी द मिनिमम वन, और जो राइट मोस्ट होगा दैट विल बी द मैक्सिमम। तो हमें क्या करना है कि ऐसा नोड फाइंड करना है जिसका लेफ्ट मोस्ट। तो अगर हम रूट नोड से स्टार्ट करें तो इस नोड का लेफ्ट तो नल है नहीं, अगर हम इस नोड की तरफ जाएं तो इसका भी लेफ्ट नल नहीं है, और अगर हम इस नोड की तरफ जाएं तो इसका लेफ्ट नल है। तो यही नोड मेरा मिनिमम वाला है। सिमिलरली अगर हम राइट मोस्ट की तलाश कर रहे हैं तो हम रूट नोड से स्टार्ट करें अपना ट्रांसल, और ऐसा नोड तलाश करें जिसका राइट मोस्ट नल है, सॉरी जिसका राइट फील्ड नल है। तो 100 का तो राइट फील्ड नल नहीं है, 150 का भी राइट फील्ड नल नहीं है, लेकिन 200 का राइट फील्ड नल है। तो हमें क्या करना है, ऐसा नोड फाइंड करना है जिसका राइट फील्ड नल हो, तो राइट मोस्ट नोड हमारा वही होगा। इस कोड में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए मिनिमम ये है और हमें रूट नोड का एड्रेस गिवन है। हमने क्या किया है, एक पी ले लिया, उसको रूट नोड के एड्रेस से इनिशलाइज कर लिया, और जब तक तब तक हम ट्रैवर्स करते रहे जब तक कि हमें ऐसा नोड ना मिल गया जिसका कि लेफ्ट नल ना हो। अगर किसी नोड का लेफ्ट नल नहीं है तो हम अगेन लेफ्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। व्हाइल पी डॉट लेफ्ट इज नॉट नल, पी इक्वल्स टू पी डॉट लेफ्ट। जब ये लूप फिनिश होगा तो जो नोड होगा लेफ्ट मोस्ट वाला हम उसको रिटर्न कर देंगे, दैट इज अवर टारगेट नोड। सिमिलरली हम मैक्सिमम कैसे फाइंड करें, ये एक पी ले लिया और उसको टी से इनिशलाइज कर लिया, और ऐसा नोड तलाश करें जिसका राइट नल। अगर राइट नल नहीं है तो पी इक्वल्स टू पी डॉट राइट कर दिया, राइट की तरफ हम मूव करते हैं। तो हम ऐसे नोड पे जाके टर्मिनेट कर रहे हैं जहां जिसका राइट नल है और उसी को हम रिटर्न करते हैं। तो हमारा ये जो ट्री है इसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन को कॉल कर देते हैं रूट नोड के साथ,
और ये एक नोड रिटर्न करेगा, हम तो इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं लेट्स से एम में, जो भी एम होगा हम उसको प्रिंट करा देंगे। कैसे प्रिंट कराएंगे, एम डॉट डेटा, और यहाँ पे मैक्सिमम है या मिनिमम है इसका डिमार्केशन यहाँ पे कर देते हैं। मैक्सिमम नोड इज एम डॉट डेटा, सिमिलरली मिनिम सॉरी मिनिमम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो मिनिमम नोड इज एम डॉट डेटा। सिमिलरली हम मैक्सिमम वाले फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं, बीएसटी मैक्सिमम को, और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को भी प्रिंट कर देते हैं एम डॉट डेटा को। ये जो एम है वो हमारा रूट नोड, वो हमारा नोड टाइप का है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्ट नोड स्टार डिक्लेयर कर लेते हैं। रन करके देखते हैं इसको, इट इज आस्किंग अबाउट हाउ मेनी नोड्स टू एंटर। तो एक छोटा सा ट्री हम बना लेते हैं यहाँ पे, और उसी ट्री के हिसाब से हम इसमें इंसर्शन कराएंगे। तो अगर हमें ट्री बनाना है तो लेट से हमने मान लिया कि 100 हमारा रूट नोड है, उसके बाद हम एक एंट्री करा लेते हैं 20 की, एक एंट्री करा लेंगे 10 की, और एक एंट्री करा लेंगे 40 की, एक एंट्री करा लेंगे 200 की, एक हंड्रेड एंट्री करा लेंगे 150 की, और एक एंट्री करा लेंगे 250 की। इसी ऑर्डर में हम कीज को यहाँ पे इनपुट करा लेते हैं। तो मेरे पास 7 डेटा है जो हमें एंट्री कराना है। एक डेटा है 100, एक है 20, एक है 10, एक है 40, एक है 200, एक है 150, एक है 250। तो आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम नोड है वो 10 है और जो मैक्सिमम नोड है वो 250, ऐसे हम चाह रहे थे। तो हमारा ट्री भी सही बना है, ट्री के जो नोड्स की प्रिंटिंग हो रही है वो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से असेंडिंग सीक्वेंस में हो रही है, और साथ ही साथ मिनिमम और मैक्सिमम भी सही आ रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सक्सेसर देखेंगे, बीएसटी सक्सेसर, वो हमारी हेल्प करेगा डिलीशन प्रोसेस में। तो बीएसटी सक्सेसर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।